हेलो दोस्तों, आपका मैथ स्टडी बाय बिजनेस सर में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में त्रिभुज का परिवृत्त निकालने के लिए सीखेंगे कि अगर कोई भी त्रिभुज है, या तो यह समबाहु त्रिभुज हो सकता है, या विषमबाहु हो सकता है, या समकोण त्रिभुज हो सकता है, तो इसका परिवृत्त कैसे निकाला जाए। तो परिवृत्त निकालने के लिए, परिवृत्त का मतलब कि वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना। तो परिवृत्त के वृत्त की त्रिज्या कैसे निकाला जाए, तो मान लीजिए कि ये आर है, कैपिटल आर, मान लीजिए कि इसकी ये भुजा ए है, इसकी भुजा बी है, इसकी भुजा सी है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, एक सूत्र याद रखिए, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगा ए बी सी बटा में फोर गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, फोर गुणे त्रिभुज। देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज बनाया है ना मैंने, त्रिभुज से याद रखिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है। जैसे मान लीजिए अगर अंदर रहेगा समबाहु त्रिभुज रहेगा, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिएगा कि रूट थ्री बटा में फोर गुणे भुजा का स्क्वायर। अगर मान लीजिए अंदर विषमबाहु त्रिभुज रहेगा, तो विषमबाहु त्रिभुज रहेगा, तो इसके लिए आप लगा दीजिएगा हीरो सूत्र कि अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, हीरो सूत्र, जब तीनों विषमबाहु। अगर समकोण त्रिभुज रहेगा दोस्तों अंदर, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिएगा कि वन बटा टू आधार गुणे ऊंचाई, ये लगा दीजिएगा। इसमें से कोई भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। वो क्वेश्चन जब देगा तो आप देखिएगा कि कौन सा अंदर त्रिभुज दिया है, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज के लिए परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये ए बी सी, तो समबाहु त्रिभुज रहेगा और अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, ए गुणे ए गुणे ए, यानी बी का मान भी ए हो जाएगा, सी का मान भी ए, बटा में फोर गुणे। ये देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा रूट थ्री बटा में फोर गुणे भुजा का स्क्वायर। जब अंदर रहेगा समबाहु त्रिभुज, तब तो रूट थ्री बटा में फोर गुणे भुजा का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ये फोर से फोर खत्म, यहाँ पर दो ए है, तो ये दो ए खत्म, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बटा रूट थ्री। तो देखिए दोस्तों, ये दो सूत्र याद रखिएगा। और समबाहु त्रिभुज रहे अंदर, तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा इसके लिए परिवृत्त की त्रिज्या कि ए बटा रूट थ्री, या इसको ही याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये याद कर लेते हैं तो ये किसी भी सूत्र पर लग जाएगा, लेकिन ये किस पर लगेगा, ये कौन समबाहु त्रिभुज रहेगा, तो जहाँ ए क्या है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 18, 20, 22 सेंटीमीटर है, तो परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। देखिए दोस्तों, भुजा दे दिया कि 18 दे दिया है, ये 20 दे दिया है, 22 दे दिया है, 20 ये दे दिया है 22, तो इसकी परिवृत्त की त्रिज्या निकाला है। तो परिवृत्त की त्रिज्या के लिए मैंने अभी सूत्र क्या बताया कि आर बराबर होता है ए बी सी बटा में फोर गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ए बी सी तो ठीक है दोस्तों, ए बी सी में लिख गया, लेकिन ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अब देख लीजिए कि कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज तो है नहीं, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का जांचने का नियम क्या होता है, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जिसमें कर्ण मतलब कर्ण कौन होता है, सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है, तो सबसे बड़ी भुजा 22 है, 22 का स्क्वायर कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी 20 का वर्ग प्लस 18 का वर्ग, 22 दो बार गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 444 हो जाएगा, 484 हो जाएगा। अगर 20 दो बार गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और प्लस 18 दो बार गुणा कर देंगे तो 289 हो जाएगा, 289। तो कर दी, देखिए 484 आ रहा है, इसको कर देंगे तो 909, 808, 426। देखिए दोस्तों, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब कि समकोण त्रिभुज भी नहीं है, तो इसका मतलब कि विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज है, तो विषमबाहु त्रिभुज के लिए सबसे पहले, इसके लिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले निकाल लीजिए क्या होगा, तो विषमबाहु के लिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। तो अर्ध परिमाप, तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा में दो, ए ए की तरह मान लीजिए, ए ये ए है, बी है, ये सी है, 18 प्लस 20 प्लस 22 बटा में 2, जोड़ लीजिए 2 और 8, 8 को 10 के शून्य हासिल 1, और 2 2 4 1 5, और 5 1 6 बटा में 2,
तो अब इसको कटा दीजिए दो से, कितनी बार 30 बार, तो कितना आ गया 30 आ गया। 30 देखिए दोस्तों एस आ गया हमारा 30। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अब कर लीजिए अंडर रूट एस कितना आ गया, एस यानी अर्ध परिमाण 30 आ गया, तो यहाँ पर रख देंगे 30 अगोड़े, यहाँ एस माइनस ए है यानी 30 माइनस ए किसको माने हैं 18 को, 30 माइनस 18 और फिर 30 माइनस बी का मान कितना 20 और ये 30 माइनस कितना सी का मान 22। फिर इसको और कर दीजिए दोस्तों, अब कर दीजिए कि 30 अंडर रूट में 30 गोड़े 30 में से 18 घट जाएगा कितना हो जाएगा 12, 10 में से 8 घटा 2 और 2 में से 1 घटा 1 12 हो जाएगा, यहाँ पर 30 में से 20 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा और 30 में से 22 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब इसका वर्गमूल निकाल रहा है, तो इसको तोड़ लीजिए अंदर ही वर्गमूल निकल जाएगा। जैसे 30 को क्या कर सकते हैं 10 तय 30 कर सकते हैं कि 10 तय 30 अगूढ़े, 12 को क्या कर सकते हैं दोस्तों 2 देखिए 12 तोड़ सकते हैं हम 2 6 12 2 3 6 और 3 1 3 है 2 2 3 कर सकते हैं 12 को, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 और फिर 10, तो देखिए यहाँ पर 10 मिल गया है जोड़ा, तो 10 रहने दीजिए। 8 को क्या कर सकते हैं, 8 को कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अब कर दीजिए देखिए 2 10 है, वर्गमूल निकालना है तो 2 संख्या के बदले 1 संख्या बाहर निकलती है, तो 1 2 10 दिख रहा है 2 10, तो 2 10 के बदले 1 10 बाहर निकल जाएगा गुणे। अब 3 देखिए दोस्तों, देखिए 1 3 ये 2 3 है, 2 3 है 2 3 के बदले 1 3 बाहर निकल जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए 2 2 है फिर 2 2 के बदले 1 2 बाहर, फिर यहाँ पर 2 2 है तो 1 2 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा केवल अंडर रूट 2 बच जाएगा। तो इसको उड़ा कर दीजिए 10 तय 30, 30 दुना 60 और 60 दुना 120, 120 अंडर रूट 2 क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। तो परिवृत्त का क्या निकालना था, परिवृत्त की त्रिज्या निकालना है ना, तो अब देखिए दोस्तों अब निकाल लीजिए परिवृत्त की त्रिज्या की ए बी सी, तो ए कितना है 18 गुणे बी कितना है 20 गुणे और सी कितना है 22 बाटा में। अब देखिए ये 4 अगुणे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 120 अंडर रूट 2 आ गया है, 120 अंडर रूट 2, तो इसको कटा दीजिए 0 से 0 खत्म, और फिर 2 से कटा दीजिए 2 6 12, फिर 2 से कटा दीजिए 2 3 6 ये 11 बार, 3 से इसको कटा दीजिए कि 3 6 18, फिर इसको 2 से कटा सकते हैं 6 है और 2 है, 2 के 5 से कटा दीजिए 2 2 के 4 और 2 3 6, तो क्या हो जाएगा 3 से 11 में उड़ा, 11 तय 33 बाटा में, इधर 2 बचा है और अंडर रूट 2 बचा है यानी 2 अंडर रूट 2, तो इतना क्या आ जाएगा इसे परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर है जो मीटर है तो ये सेंटीमीटर है, तो इतना परिवृत्त की त्रिज्या आ गया। तो ये समझ में आएगा दोस्तों, आप देखिएगा कि अंदर कौन सा त्रिभुज है, अंदर कौन सा त्रिभुज है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर तो परिमित का क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल पूछा था। देखिए दोस्तों इस पर समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब कि ये भी 12 अंडर रूट 3 है, ये भी 12 अंडर रूट 3 है और ये भी 12 अंडर रूट 3 है, 12 अंडर रूट 3। तो अब देखिए इसका परिमित का क्षेत्रफल पूछा है, इस परिमित का क्षेत्रफल यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए। तो मैंने बताया कि अगर समबाहु त्रिभुज हो तो उसके लिए आप डायरेक्ट सूत्र याद कर सकते हैं कि आर बराबर ए बटा रूट 3, ये होता है परिवृत्त, जब अंदर समबाहु त्रिभुज हो तो उसकी परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए। तो कर लीजिए आर ये कितना है 12 अंडर रूट 3 दिया है, 12 अंडर रूट 3 बटा में ये दे दिया है रूट 3, रूट 3 से रूट 3 खत्म हो जाएगा, तो आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 12। तो अब कर लीजिए देखिए, अब निकाल लीजिए परिवृत्त का क्षेत्रफल मतलब क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसकी त्रिज्या हमको मिल गई 12, तो इस परिवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा परिवृत्त, परिवृत्त का
परिमित का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पाई का पाई रहने दीजिए, आर कितना है 12 है, 12 का वर्ग, 12 12 और दो बार वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा पाई, तो 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा परिमित का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें दोस्तों, और लाइक से करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।